नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रेलवे की बाउंड्री तोड़कर अवैध तरीके से दरवाजे को बनाकर कलारी से देसी शराब बेचने का व्यापार चल रहा था। वही रेलवे विभाग ने और RPF प्रशासन को इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर जाकर हर एक स्थिति का जायजा लिया गया और हाल में ही टूटी हुई रेलवे की बाउंड्री को तुरंत सही कराकर अवैध रूप से शराब के व्यापार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की गई। वही अगली खबर बंदायू से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर OP सिंह के कुशल निर्देशन और पुलिस अधीक्षक नगर अमित किशोर श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी उजानी शक्ति सिंह के नेतृत्व में SOG टीम और थाना उजानी पुलिस ने अपहरण कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तियों को गिरफ्तार किया है। वही आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2022 को गीतम साहू निवासी पिपरौल थाना उजानी का अपहरण कर हत्या कर की घटना में शामिल दो अभियुक्तियों को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। जनपद बदायूं में थाना उजानी के अंतर्गत गीतम उर्फ गौरव साहू, जो परचून के व्यापारी घूम घूम कर गाँव में अपनी गाड़ी से बेचा करते थे, इनकी गुमशुदगी 4 दिसंबर 2022 को थाना उजानी में लिखी गई थी और 10 दिसंबर को इनकी डेड बॉडी ससवान थाना क्षेत्र में मिली थी। इस संदर्भ में हमारी SOG की टीम और उजानी थाने की टीम समस्त राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में तब से लगी हुई थी। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां आज शिवसेना और क्रांति सेना के मुख्य कार्यकर्ताओं ने तुलसी पार्क में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के नूह में शहीद हुए हिंदू कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा और अभिषेक चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव मनोज सैनी और प्रदेश उप प्रमुख डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि देशों में रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। आज आप लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, क्या पूरा मामला बताइए? आज शिवसेना में क्रांति सेना के द्वारा पहले जो मुंह में हमारे दो हिंदू योद्धा अभिषेक प्रदीप शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद DM कार्यालय पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से ये मांग करी कि हरियाणा के CM जो खट्टर साहब हैं, वे बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं, जिन्होंने खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद भी हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करी, उन्हें तत्काल वहां से हटा दिया जाए। वही अगली खबर झांसी से है, जहां बड़ा गांव क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा प्लाट हाईवे स्थित मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। मामला मंगलवार 3:30 बजे का बताया जा रहा है, जहां पर मंदिर के पुजारी जी के अनुसार मंदिर की दान पेटी चोरी की गई और वहीं पर अन्य जगहों का ताला भी तोड़ा गया। वही मंदिर में दान पेटी चोरी होने की घटना की जानकारी होने पर राष्ट्रीय भक्त संगठन के कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर केंद्रीय अधीक्षक अंचल अपने प्रतिमंडल के साथ आज परीक्षा प्लॉट हाईवे स्थित मंदिर पहुंचे, जहां पर मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस विषय में झांसी SSP की से भेंट करके अन्य जगह चोरी और मंदिर के खंडित मूर्तियों की बात बताई जाएगी और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हनुमान जी का मंदिर है जी, पारीछा थर्मल पावर प्लांट के पास में, और यहाँ पर संत श्री महावीरदास ब्रह्मचारी जी यहाँ पर निवास करते हैं, उनका यह स्थान है जी। जो महावीर शरण ब्रह्मचारी की जो पूजनीय संत हैं, पहले विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक भी रहे बुंदेलखंड के जी। तो मंदिर में चोरी होना, चूंकि हाईवे पर मंदिर है, कहीं ना कहीं दर्शाता है गश्त की कमी है जी। दूसरा, कई अनेक उसी दिन गुरसराय के मंदिर में भी चोरी हुई, अनेकों मंदिरों में चोरियां हो रही हैं और इन मंदिर की चोरियों के मंदिरों की मूर्तियां टूट रही हैं, जिनके खुलासे नहीं हो रहे हैं। वही अगली खबर एटा से है, जहां बाल विकास परियोजना विभाग अंदरखाने जिस तरह आंगनबाड़ियों से महीनेदारी वसूलने के लिए बाबू विकास कुमार दबाव बना रहे थे। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिम्मेदार अफसरों का नाम लेकर कैसे वसूली की जाती है। इसका खुलासा ये वीडियो साफ तौर पर कर रहा है, जहां वायरल वीडियो में ऑडिट का 300 रुपए के हिसाब से जमा करने की बात कही जा रही है। उक्त वायरल वीडियो 5 दिन पहले शुक्रवार को सकिट परियोजना की मीटिंग का बताया जा रहा है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां हर घर तिरंगा का आयोजन किया गया। मेरा माटी मेरा देश के अंतर्गत इस आयोजन को किया जा रहा है। इस आयोजन में शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा।
वहीं रैलियां प्रतियोगिता दौड़ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला पंचायत सभागार में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी बैठक कर रहे हैं। वहीं 8,79,000 तिरंगे पिछले वर्ष सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रशासन ने बंटवाए थे, जहां बैठक में सीडीओ संदीप भागिया, एडीएम नरेंद्र बहादुर, एडीएम गजेंद्र सिंह और सत्यनारायण सीओ सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ये जो आगामी 15 अगस्त है उसको देखते हुए सभी जितने भी हमारे जनपद के अधिकारीगण हैं उनके साथ यहाँ पे वार्ता की गई और जो शासन की तरफ से जो डायरेक्शन मिले थे उन सभी इसके बारे में अवगत कराया गया। और इस बार मेरी माटी मेरा देश करके भी अमृत महोत्सव के भी कार्यक्रम के कई सारे चीज़ें थी जिनको भी टाइमली उन लोगों को अवगत कराया गया कि सभी लोग साफ़ सफाई और जितनी भी महान विभूतियों की मूर्तियां हैं उनकी साफ सफाई, रंग रोगन, प्रकाश की व्यवस्था। अगली खबर हरदोई से है, जहां जिले में आज शाम एक तेज रफ्तार रोडवेज बस में सामने आ रहे बाइक पर सवार तीन दोस्तों को टक्कर मारकर बुरी तरह से कुचल दिया। वही हादसे में दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद रोडवेज पर बस चालक रोडवेज को आगे खड़ा करके फरार हो गया। वही घटना के बाद जानकारी पर पहुंची पुलिस ने तीनों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां दो युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुट चुकी है। बस रोडवेज की थी, अपने वर्कशॉप से आ रही थी गांधी तिराहे पर, अब एक्सीडेंट हुआ जिसमें दो आदमी पहिए के नीचे आ गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, एक घायल अवस्था में है जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अगली खबर देवरिया जनपद से है, जहां सुरौली थाना क्षेत्र के भरौली टोला दलगांव में घर के पीछे सेंध मारकर चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में उक्त गांव निवासी झांगुर राजभर पुत्र टेंगरी राजभर ने पुलिस से शिकायत की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन करने में जुट गई है। पीड़ित ने बताया कि चोर बक्से में रखा कीमती जेवरात, नगदी, अन्य सामान उठा ले गए हैं, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। घटना यही घटी है कि 12 बजे के बाद हमारे घर में जो है कि सेंध कटी है, सेंध कटने के बाद जो है कि हमारा जितना सामान था वो चोरी हो गया है। बक्सा, दो बक्सा जो है कि दूध मिला है सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम हम लोग को पता चला है जब बहू जगी है झाड़ू वाड़ू मारने के लिए, उस बक्से में जो है कि कल के डेट में हमारा लड़का बाहर से परिवार के दवा के लिए पैसा भेजा था, वो पैसा था 5 थनबीखो और 5 साड़ियाँ थी। वही अगली खबर झांसी से है, जहां चिरगांव तिवारी महाराज के बाड़े में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मधुसूदन शिवहरी की अध्यक्षता में एक सर्व समाज की बैठक हुई, जिसमें मौरानीपुर में गौ सेवक ब्रजेश पाठक, विजय गुप्ता, समाज सेवी पूर्व पार्षद कुशवाहा समाज अध्यक्ष के कन्हैया लाल कुशवाहा के खिलाफ राजनीति द्वेष से जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं वो राजनीतिक रंजिश के तहत लगाए गए हैं। इसमें बीजेपी सरकार और विश्व हिंदू परिषद को बदनाम किया गया है। वही हम सभी सर्व समाज के लोग जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई। आज किस बात की मीटिंग हुई है भैया यहाँ पर? मऊरानीपुर में षड्यंत्र के तहत राजनीतिक दोषारोपण या द्वेषा के कारण जो ब्रजेश पाठक और कथूरे महाराज और विजय गुप्ता जी, कन्हैयालाल कुशवाहा जी के ऊपर जो झूठे मुकदमा लिखाए गए हैं, हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ऐसे कृत्य की भीषण प्रदर्शना करते हैं। वही अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बदमाश सेल्समैन ने 51,000 कैश, मोबाइल लूटने के साथ ही बाइक की चाबी भी लेकर फरार हो गए हैं। सेल्समैन ने देसी शराब की दुकान से स्वामी के साथ ही पुलिस को सूचना दी। वही दुकान स्वामी ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर अब लुटेरों की तलाश में जुट चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विकास शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव से हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है, किस जगह पर हुई है ये घटना? सर गोंदौली से हमारी दुकान पर एक राजकुमार तिवारी की जॉब करते हैं, मैं दुकानों का मैनेजर हूँ। किस दुकान का क्या नाम है जी सर? दुकान का क्या नाम है? दुकान का नाम है दुकान देसी शराब। अच्छा, किस जगह पर है ये? ये उसरम पर स्थित है और वो हमारी दुकानों पर जॉब करते हैं, वो सुबह आ रहे थे घर से। वही अगली खबर गुजरात से है, जहां राजकोट जिले के उपलेटा तालुक से
खिरसरा, भयावदर, उपलीचा, चित्रवाड़ और जमकांड्रोना का जोड़ने वाली सड़क खराब स्थिति में है और पुल की खराब स्थिति के कारण सिर दर्द और पीठ दर्द बन गई है, जिसमें लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। ये पुल उपलीचा मूज नदी को जोड़ता है और ये सड़क कई गांवों को जोड़ती है, लेकिन ये सड़क हर बार की तरह इस बार भी बह गई है, क्योंकि सड़क की हालत बहुत ही खराब थी और लोग यहाँ से गुजर नहीं पा रहे थे। भूत हूँ चित्रावड़ो रहवासी छू। आज अत्यारे जे आपणे जे जग्याए उभा छीए ए मोज नदी नो पुल छे। आ पुल धोवाई गयो छे चालु वर्षे वरसादमां बिपरजोई वावाजोड़ाथी। आ पुल बे तालुकाने जोड़तो छे, उपलेटा जामकनोणा तालुकाने जोड़तो मुख्य पुल छे અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ પુલ આવી રીતે ધોવાઈ જાય છે અને દર વખતે પૂર આવે ત્યારે આ રસ્તો ધોવાઈ જાય છે અને ફરી માટી પુરાણ કરી અને ચલાવે છે। वही अगली खबर गुजरात से है, जहां वर्तमान में मानसून के मौसम में गिर पंथक में जंगली जानवरों के हमले बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही गांव में घुसकर शिकार करने वाले शेरों और तेंदुओं की संख्या भी बढ़ गई है। तलाला के मधुपुर गांव में शेर ने गाय को मार डाला है। वही लोगों में इस पूरे मामले को देखते हुए डर का माहौल बन गया है। वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र की झलकारी बस्ती निवासी पूनम ने 5 अगस्त को नगर कोतवाली में तहरीर देकर अपने बेटे आकाश उर्फ मोगली की हत्या के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर एक महिला सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पुलिस फरार बता रही है। दरअसल एसएसपी अजय सिंह ने रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि घटनास्थल और उसके आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, मुखबिरों को सक्रिय करते हुए प्रकरण से संबंधित कई छोटी बड़ी सूचनाओं को एकत्रित कर और उनकी कड़ियों को जोड़ने के पश्चात पुलिस टीम को 2 संदिग्ध व्यक्तियों पर शक हुआ, जिसके बाद पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए टीम ने जब एक संदिग्ध मुकेश चंदरिया को हिरासत में लिया और पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि विगत 30 जुलाई की रात्रि मुकेश अपने साथी के साथ शराब पीकर अवैध शराब बेच रही थी। वही महिला की झोपड़ी में लेट गया था, तभी मृतक ने वहां आकर चोरी का प्रयास किया। बस्ती कोतवाली क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ पर श्रीमती पूनम है। इन्होंने 5 तारीख को अपने बेटे की हत्या के संबंध में 4 लोग को शक के आधार पर नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। चूँकि कुछ दिन पूर्व एक डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी, जिसके सर पर कोई चोट का निशान था और पोस्टमार्टम उपरांत जब उसमें हार्ट ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसकी चोट पहुँचने की मृत्यु का कारण पता चला, तो इसके आधार पर हत्या का मामला इस प्रकाश में आया और इसके बाद शक के आधार पर उनके 4 दोस्तों का, जो आकाश उनका पुत्र था जिसका नाम मोगली भी था। वही अगली खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइंस में एक संपत्ति पर जबरन कब्जे के प्रयास करने का एक परिवार लोगों ने विधायक और नगर के एक उद्योगपति पर आरोप लगाया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवाई गई है और उक्त संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उक्त परिवार ने विधायक से अपनी जान को खतरा भी बताया है। वही रुड़की के रामनगर चौक स्थित में आयोजित पत्रकार वार्ता में विपिन अरोड़ा और नितिन अरोड़ा ने बताया कि सिविल लाइंस में उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, जिनमें उनके पिता और 3 भाइयों का अधिकार है, लेकिन उक्त संपत्ति का फर्जी पारिवारिक बंटवारा दिखाते हुए विधायक प्रदीप बत्रा और उनके पार्टनर शरद गुप्ता ने 2 भाइयों से 2022 में उसकी रजिस्ट्री करवा ली। बताया गया है कि उनके परिवार में कोई बंटवारा नहीं हुआ है, यह अभी भी 3 भाइयों की संपत्ति ही है, किसी के बीच कोई बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन आरोप लगाया गया है कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने के बाद नगर निगम में प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता के नाम चेंज के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई। इसके बाद अब 3 जुलाई 2023 को रजिस्ट्री और बनवाई, जिसमें एक अपने और अपने भाई शरद गुप्ता के नाम पर यह पूरा का पूरा विवाद खड़ा किया गया, जहां रविवार को विधायक प्रदीप पत्रा और शरद गुप्ता के आदमी आए और ताला तोड़ने की कोशिश की है। सिविल लाइन्स में मुख्य डाकघर के सामने हाउस नंबर 820 821 उसके एक छोटे से वार्ड में लगुना होटल के नाम से रेस्टोरेंट है, उस पर प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता जो कि छात्रवृत्ति घोटाले वाले हैं, उन्होंने अपने आदमी भेजकर कब्जा कराना चाहा। हमने उनको कहा कि आप कब्जा नहीं कर सकते, इन्होंने जो रजिस्ट्री का आधार बना के आपको कब्जा लेने भेजा है, उनका रजिस्ट्री करने का आधार पारिवारिक बंटवारा है, जो कि आज तक नहीं हुआ। और ये कोर्ट इन 3 रजिस्ट्रियों को लेके हमने वाद, एक सिविल वाद कोर्ट में डाल रखा है।
वही अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार द्वारा अवगत कराया गया कि भारी बारिश के कारण गौरीकुंड के गौरी गांव में नेपाली मूल के 3 बच्चे भूस्खलन की चपेट में आने से दब गए हैं। वही 3 बच्चों को स्थानीय पुलिस के द्वारा और NDRF की मदद से गौरीकुंड हॉस्पिटल में उपचार हेतु लाया गया, जहां 2 बच्चों को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 1 बच्चे का उपचार किया जा रहा है। वही अगली खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल भारत मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जनपद में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो वही बारिश की चेतावनी देखते हुए जिलाधिकारी ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए 9 अगस्त को 1 दिवस का अवकाश घोषित किया गया है। वही जिलाधिकारी ने कहा है कि मौसम विभाग के अनुसार जनपद में 9 अगस्त को भारी बारिश देखी जा सकती है, जिसकी वजह से ये आवेदन दिया गया है। वही अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां रोड पर पुरानी चुंगी के निकट नाले से पुलिस ने एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के स्पष्ट कारण का पता चल पाएगा। वही अगली खबर रायवाला से है, जहां हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित छिदरवाला निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज तो दिया है। प्रशिक्षु IPS और रायवाला थाना अध्यक्ष जितेंद्र मेहर ने इस पूरे मामले को बताते हुए बताया कि मृतक की पहचान 19 वर्षीय हर्षित राणा के रूप में हुई है। परिजनों ने पूछताछ में बताया कि हर्षित नशे का आदी था। बीते रोज हर्षित ने नशे की हालत में घर की छत से कूदकर जान देने का प्रयास किया, इसलिए परिजनों ने हर्षित को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन हर्षित ने कमरे में पंखे से लटककर फांसी लगा ली। नजारा देखने के बाद परिजनों ने किसी तरह हर्षित को बेहोशी की हालत में नीचे उतारा, जिसके बाद परिजन हर्षित को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल ऋषिकेश ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वही अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां मोतीचूर की भगवत सिंह कॉलोनी में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान गीतांजलि जखमोला को नेतृत्व में पार्क निर्देशक को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र में ऊर्जा तारबाड़ और गश्त बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि शाम होते ही गुलदार गांव के आसपास दिखाई देने लगता है। इतना ही नहीं, अब तो गुलदार कई मवेशियों को अपना निवाला भी बना चुका है। ग्राम हरिपुर कला मोचूर में लगातार गुलदार की आमद बढ़ रही है और घरों में घुस रहा है, घर में आकर के जंगली पालतू पशुओं को कहते हैं निशाना बना रहा है, इससे जान माल का बच्चों के खतरा बना हुआ है। इसको लेकर के आज हम यहाँ पे वन क्षेत्र अधिकारी और डायरेक्टर महोदय से मिले हैं और हमने उनको पिंजरा लगाने के, गश्त बढ़ाने के लिए और चैनल फेंसिंग के लिए भी उनको निवेदन किया है। फेंसिंग की बात करें तो फेंसिंग लगी भी है, लेकिन कुछ गतिरोध भी आए थे, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो पहले हमारे जो एक दूसरे क्षेत्र को लगा था, ये पाल बस्ती से लेकर के अपने मोचर अनंतपुर तक लगा था, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी और उसमें कुछ वहाँ पे जानवर जंगली जानवरों ने जैसे। वही अगली खबर पौड़ी से है, जहाँ जिले के लैंसडॉन तहसील के गुमखाल सारी मोटर मार्ग के खराब स्थिति के कारण देर रात 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल देर रात 8 बजे देवड़ाली निवासी 4 लोग अपने गांव गुमखाल से देवड़ाली के लिए ऑटो कार में जा रहे थे, मगर गुमखाल से 200 किलोमीटर की दूरी पर सड़क की घटिया स्थिति होने के कारण अनियंत्रण हो गई कार और गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद वही कार के गिरने की सूचना मिलने पर आसपास के लोग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। वही काफी मशक्कत के बाद SDRF की टीम द्वारा 4 शवों को गहरी खाई से निकाला गया। वही मृतकों की पहचान देवड़ालिया निवासी चंद्रमोहन बिष्ट, दिनेश बिष्ट और अतुल बिष्ट और चूना बिष्ट के रूप में की गई है। अगली खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां गौरीकुंड में फिर से भूस्खलन के चलते 2 बच्चों की मौत बताई जा रही है और 1 बच्ची घायल भी हो गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना देर रात 12 बजे की बताई जा रही है। वही आपको बताते चले कि गौरीकुंड में 23 लोगों के मलबे में दबने की भी घटना 5 दिन पहले आई थी। वही एक बार फिर से गौरी गांव में हेलीपैड से आगे गांव के नीचे एक नेपाली परिवार के ऊपर खेत से आए मलबे की चपेट में 3 बच्चों को दबने की सूचना सामने आ रही है। वही पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी विमल और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया है कि राहत बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर 1 बच्ची को सकुशल बचा लिया है।
वही अगली खबर चमोली से है, जहां पुष्कर सिंह नेगी पगनो गांव में जबरदस्त भूस्खलन होने से दर्जनों परिवार बेघर होने की कगार पर है। बता दें कि पगनो गांव में वही दरअसल गांव के ठीक ऊपर से जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है, जिसका सारा मलबा गांव तक पहुंच चुका है। वही स्कूल, मंदिर, दो गौशाला, दो दुकान और एक आशियाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वही अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां 2023 के वरुणावत भूस्खलन के बाद बनी टनल रखरखाव के अभाव में बुरी हालत में है। वही टनल के अंदर जगह जगह बरसात के पानी का रिसाव हो रहा है। पैदल चलने वाले फुटपाथ की जगह जगह चादरें उखड़ चुकी हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को गाड़ियों के बीच में ही चलना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस टनल से हमेशा हजारों स्कूली छात्र छात्राएं, स्थानीय लोग गुजरते हैं। टनल के अंदर कई जगहों पर बिजली की तारें भी खुली पड़ी हुई हैं। अगर बरसात का पानी इस पर पड़ता है तो बहुत बड़ी मानहानि हो सकती है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन कई बार इस बारे में बता चुकी है, लेकिन हमारे बताने के बावजूद भी प्रशासन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह से ये घोटाले और ये लीपापोती नहीं होनी चाहिए। अभी 12 लाख का काम से पहले हुआ था, सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया था, और अभी 27 लाख रुपए में जो काम हुआ है उसको सब लोग देख रहे हैं। उसकी अगर आप क्वालिटी देखेंगे, गुणवत्ता देखेंगे, तो मैं समझता हूँ, मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, मेरे हिसाब से वो न्याय दी घटिया काम हुआ है, और 27 लाख में बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया जा सकता था। हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि वहाँ जो वहाँ मतलब वहाँ से जो रास्ता है वो ऐसा नहीं है कि एक ज्ञान सवालों का है कि कहीं वो मेरा मेन रास्ता है, वो पूरे जो है गंगोत्री विधानसभा का पूरा रास्ता वही है मेन रास्ता, और उस टनल की ऐसी जर्जर हालत हो रखी है कि उसमें जो पैदल फुटपाथ है उसमें जाने लायक नहीं बिल्कुल भी, और वहाँ अंधेरा 24 घंटे वहाँ अंधेरा रहता है, और महिलाओं को जो है ज़्यादातर महिलाओं को जो है बहुत ही परेशानी होती है। अगली खबर जनपद रुद्रप्रयागराज से है, जहां गौरीकुंड डाटपुलिया के समीप बीते 3-4 अगस्त को हुए भूस्खलन के कारण लापता हुए लोगों की ढूंढ खोज अभियान आज छठे दिन भी जारी है। वही पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रावत के नेतृत्व में पुलिस, वही SDRF, NDRF, जिला आपदा प्रबंधन द्वारा निरंतर ढूंढ खोज की जा रही है। पुलिस और आपदा टीमों द्वारा गौरीकुंड से लेकर रुद्रप्रयाग की सीमा, सिरोबगढ़ और नदी किनारे तलाश की जा रही है। दिनांक 3 अगस्त की रात में जो बोल्डर आने से दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, और उसमें कुछ रहने वाले स्थानीय एवं अपन मूल के व्यक्ति लापता हैं, उनकी सर्च अभियान जारी है, जिसके लिए एक टीम गठित की गई है जो नदी किनारे लगातार सर्चिंग कर रही है, जिसमें हमारे NDRF, SDRF, जल पुलिस, स्थानीय पुलिस तथा डॉग स्क्वाड सम्मिलित है, उनके द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।